ओम शांति। 16/10/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, एक पाप को ही याद करना है। और याद करने के लिए बाबा ने कहा लक्ष्य सदा सामने रखो। लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, और लक्ष्य जब सामने होता है तो लक्षण ऑटोमेटिकली आते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा महात्माएं सन्यासी आदि कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं कह सकते। शिव बाबा ही कहते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वो शब्द है वंदे मातरम। क्योंकि सन्यासी माताओं की ग्लानि करते हैं, नारी को नरक का द्वार कहते हैं, और बाबा ने आकर के नारी का सशक्तिकरण किया, नारी को कहा कि तुम स्वर्ग का द्वार हो। इसलिए बाबा कहते हैं वंदे मातरम। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 जन्म चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। क्वेश्चन है किस श्री मत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त करते हो। आंसर है बाप की तुम्हें श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया को भूल, एक मुझे याद करो, इसी को ही बलिहार जाना, अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सदगति दाता है। गीत के बोल हैं ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तो बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते। जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे, यह तो समझाया गया ज्ञान और भक्ति। सत्युग त्रेता है ज्ञान की प्रलब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रलब्ध बना रहे हो, फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। तो बच्चों को समझाया जाता है सत्युग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उनको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तो बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं है। मनुष्य को पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे।
आत्मा पवित्र बनती है। तो बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था, भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरातों से छत दीवारें सब सजी हुई थी। तो भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कोड़ी मिसल बन पड़ा है। तो बाप कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सत्युग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव की प्रीत एक बाप से है, उनको बाप पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि हैं सब, भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, बाकी मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान सागर एक ही बाप को कहा जाता है। उनसे तुम स्वर्ग का वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह है देवी देवताओं की महिमा। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, सत्य है ही एक। वही आकर के सत्य समझाते हैं, यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं हैं, पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, फिर नमस्कार किसको करते हैं? यह अज्ञान फैला हुआ है, तेरे में मेरे में सब में शिव भगवान है, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो ये बाबा ने कहा अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं, वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं, जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। तब तो कहा जाता है दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तब भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। लेकिन सुख में कोई भी याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुख धाम। सभी दुर्गति में हैं। नई दुनिया में भारत नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वो राजकुमारी, वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी, श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था।
उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बचपन में श्री कृष्ण श्री राधे, स्वयंवर के पश्चात नाम बदली होता है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। सत्युग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सत्युग में किसी की भी अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है, पढ़ रहे हैं, ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गई हो। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं, ओ बाबा आकर के रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतनी सभी कहाँ जाएंगे। तो बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। हर कल्प भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गए हैं, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी मिसल है। ये ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना तो पवित्र की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। पवित्रता का सागर शिव बाबा जब इस धरा पर आते हैं, माताओं को पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं, वो पवित्र बनती हैं, तो कहा जाता है वंदे मातरम। तो शिव बाबा जब आते हैं, वही आकर के माताओं की वंदना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर के कहा है, नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है ना, यह है स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सत्यों को। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर न सके। इन कॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर के पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, निराकार हैं तो वो पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के लिए जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप हैं, प्रजा पिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहराना, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तुम भी तपस्या कर रहे हो। कल्प वृक्ष के नीचे थुर में बैठे हैं, ब्राह्मण और मम्मा बाबा दोनों तपस्या कर रहे हैं। यह है ही राजयोग। सन्यासियों का है हट योग, वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि में जो भी शास्त्र हैं वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। पढ़ते आए सुनाते आए, धारणा नहीं की, उन बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाया, तो और ही
तमु प्रधान बनते गए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिसे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़े में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अकल चला आता है। ये बॉम्ब्स आदि कल्प पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो बाप कहते हैं, अब तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब इस देह का अहंकार छोड़, मुझ बाप को याद करो। तो याद की योग अग्नि से विकार में विनाश होंगे। रावण ने तुमको बहुत विकर्म कराए हैं, पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही। कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ। कहते हो मेरी आत्मा को रंज मत करो, नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना, यह तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। जो आया उनको बैठ पूछते हैं, ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, उनके बारे में कुछ जानते नहीं। आया और पूजा की तो बाबा ने कहा ये है भक्ति, और भक्ति भी कौन सी, व्यभिचारी। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक ही बाप है, दूसरा ना कोई। तो बाप कहते हैं, मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंत मति सुगति हो जाएगी। मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी ही पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं तो यह है नॉलेज, परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमंत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बनाना, तो यह सब हैं समझने की बातें। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहारी भी अभी जाना होता है, जबकि बाप आया है संगम युग पर, तो बाप पर बलिहार भी अभी जाना होता है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सतगति दाता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा हैं। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला एक ही बाप है, निराकार शिव बाबा। यह पाठशाला है, एम ऑब्जेक्ट भी बाबा ही बतलाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम सुख धाम, और यह है दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से एक्टर है ना, तो एक्टर है तो एक्टिंग करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, इस ड्रामा के चक्र से कोई भी छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेगा
तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनेस्टी है ना, सत्युग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच सच खंड था, अब झूठ खंड बना है, इसको रोरो नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए कितना मारा मारी होती है, वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े, बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं, सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास। यह है बेहद का सन्यास, सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का ये फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं, वह है ज्ञान का सागर। ये साधु कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देही का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। सेकंड पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है सदा उमंग उत्साह के, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्म भाव। स्पष्टीकरण, ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी-छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। छोटी-छोटी परीक्षाएं बातें आती हैं, उनमें रुक कर के बाबा ने कहा कभी थकेगी नहीं और थक कर के रुकेगी नहीं। स्लोगन, जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं। जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं। आज का अव्यक्त इशारा, जो सदा सफलता मूर्त बनते हैं, सदा सफलता मूर्त बनने का साधन एक बल, एक भरोसा, निश्चय सदा ही निश्चित बनाता है, निश्चिंत रखता। और निश्चिंत स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। इसके लिए जमा करने की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना, स्वप्न में भी प्रभु देन को अपना नहीं समझना। मेरा यह गुण है,
मेरी शक्ति है ये मेरापन आना, अर्थात खजानों को गंवाना है। ओम शांति।